अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालदेन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा, आज जो है मैसेज, हमेशा मैं जब भी आपके साथ आमने सामने होती हूँ तो आपके साथ कोई ना कोई एक मैसेज शेयर करती हूँ। तो आज का मैसेज बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, और वो क्या है, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैं अपनी, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहा ना, जनरली बात करती हूँ, कोई पेपर वर्क नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कि मैंने लिख के आपसे कोई बात की हो, मैं यहाँ से मेरा दिल में चाहता है मैं बोलती हूँ। मैं यकीन करें कि एक ज़ाहिर बात है कि स्ट्रगल से गुजरी हूँ, और ज़िंदगी में बीमारियाँ, सब कुछ चलता रहता है, तकलीफ़ें और स्ट्रगल, ये सब चलता रहता है। खुदा की एक साइकिल है जो हमें आजमाता रहता है। जब वो हमसे मोहब्बत करता है तो कुछ ज़्यादा आजमा देता है ताकि हम उससे ज़्यादा प्यार करें, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा प्यार करता है। और कभी कभी, और ये आजमाइश पता क्या होती है, कभी कभी वो लोग जो समझते नहीं है ना, वो तंग आ जाते हैं, कहते हैं अल्लाह पाक ये कि हमें क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, ये गुनाह है। ये आपने वो जो एक अल्लाह ने आपको मुंतखब किया ना, तकलीफ जो दी है, तो आप उससे फिर बहुत दूर हो जाते हैं। और आजमाइश की बहुत डिफरेंट शक्लें हैं, कभी वो ले के, कभी दे के, कभी कम कभी ज़्यादा। इन तमाम चीज़ों से वो आपको परखता है कि मेरा बंदा मुझे कितना चाहता है, क्योंकि दीप उसने है, उस ज़ात ने हमें अता किया है, उस ज़ात ने हमें बेनतहा दे के भी आजमाया है और बेनतहा ले के भी आजमाया है। उसकी चाहत को अगर तू चाहेगा, उसकी चाहत तो बख्श देगा वो अपनी चाहत, तो वो रब इतना गफूर रहीम है। और आज कुछ माएँ, कुछ वालदेन कुछ आजमाइशों से गुजर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कभी भी एक गलती आप लोग करते हैं, कहते हैं कि ये किसी पकड़ में है, किसी गुनाह में, ऐसा कभी भी ना कहें खुदा के लिए। कुछ वालदेन के बच्चे कुछ ख़ास स्पेशल होते हैं, बल्कि उनको ज़्यादा चाहें, उनको ज़्यादा प्यार करें, उनके बच्चों से ज़्यादा प्यार करें। लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो कभी कभी ऐसे पेरेंट्स को देखते हैं तो इतना कुफ्रिया कलमात और कितने गुनाह, आप क्या खुदा से बेहतर जानते हैं? क्योंकि ये सोच लें कि उसके रब ने उसको दिया है, उसके रब ने उसको आजमाया है, तो मैं और आप कौन होते हैं? तो प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है आज मेरे इस प्लेटफॉर्म से, ये कहूँगी, कभी कोई आपको ख़ास बच्चा नज़र आए ना, ख़ास बच्चा, उसके वालदेन को कभी हिट ना करें, बल्कि उसको चाहें, उसे प्यार करें, उसके लिए अच्छे अल्फाज अदा करें ताकि उसका दिल इतना बड़ा हो जाए। तो लेट्स सी, आज ये है मैसेज। और आज कौन से बच्चे आए हुए, मैं तो बहुत खुश हूँ। देखो जी, वो तो ये देखें जी, कैमरा देखे घुमाए, ज़रा देखे कौन है जी, इधर देखिएगा ज़रा, दुनिया से बेगाने जी, ये देखें, कौन, कहाँ देखो, इधर ये देख, इतनी दुनिया से बेगाने, सो स्वीट। ये मेरे लिए बड़े कीमती लम्हात है, ऐसे लम्हे मुझे शायद ना मिले जी। क्या कर रही हैं आप, सो रही हैं, नींद पूरी नहीं हुई, छोड़ दो, हाँ नींद पूरी नहीं हुई, कहाँ देख रही हो, हाँ हेलो, अल्लाह इसके क्यूट से, इतने प्यारे प्यारे हेयर कहाँ से, इतने प्यारे हैं, मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है, मुस्कुरा रही है। ये मेरी प्यारी सी शहजादी है, और आज यहाँ पर आई है, और देखो इसको दुनिया से बेगानी, उसे यही नहीं पता कि मैं इस वक्त कहाँ बैठी हूँ और मैं किस सोफे को टच कर रही हूँ, और कौन कौन लोग मुझे देख रहा है। और ये बहुत प्यारी सी है, मैं चाहती हूँ मुझे ऐसे लोग ढेरों दुआएं देना, रियली बहुत अच्छा लगता है मुझे। ओए बबलू, अच्छा जी, मिलवाती हूँ उन लोगों से जो इन सबको बहुत प्यार करते हैं, उसको स्वीट ले जो छो जो छो जो। अच्छा जी, एंजल मॉम से स्पेशली जो है कुछ टीम आई है, और वो सारी बातें आज करेंगी। मेरी प्यारी बहन मौजूद है लैला सदफ शाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, सलूट है आप लोगों को, ऐसे बच्चों के साथ आप रहते हो, आप बहुत लकी हो रियली, और इसे अल्लाह पाक मुंतखब करता है ऐसे लोगों को जो लोगों की चाहत करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, इंसानियत का ख्याल रखते हैं। अच्छा जी, मैं आपकी टीम से मिलवा दूं। अच्छा, मेरे इस हाथ पे मेरी वो येलो सूट में बैठी मैम,
आपका नाम, सॉरी इनका नाम दुर्शेवार अदीला, अदीला जी अस्सलाम वालेकुम। अदीला जी कैसी हैं? मैं इस बच्ची में मैं हो गई हूँ और ये है मेरी बहन दुर्शेवार। कैसे हैं आप लोग? और आप लोग तो, आप ये तो स्पेशल है, आप लोग ग्रेट स्पेशल है जो इन स्पेशल बच्चों में रहते हैं। जी नाजिन, आज मेरे बहुत प्यारी प्यारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी टीचर, उनकी एडमिन, ऑफकोर्स मेरी प्यारी बहन लैला देखती हैं। लैला जरा बताएं अपने इदारे के बारे में, ताकि, और प्लीज आप लोगों ने जाना है, विजिट करना है, इनको सपोर्ट करना है, इनको अप्रिशिएट करना है। लेट्स सी जी, हमारी जर्नी जो थी, ज़ैनब माशाल्लाह 13 इयर्स ओल्ड है। ये ज़ैनब है जी, ये ज़ैनब है। ज़ैनब है। तो वो शुरू में तो यही था कि अवेयरनेस नहीं थी, कुछ पता भी नहीं था एक्चुअली। ये लोग डाउन सिंड्रोम कहलाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक, चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम। तो हमें भी अवेयरनेस नहीं थी, कुछ पता नहीं था कि ये बच्चे क्या होते हैं, कैसे होते हैं। वो शुरू का जैसी बात है, एक शॉकिंग न्यूज़ होती है, एक वो होता है ना कि हैप्पी मूवमेंट एकदम से अचानक चेंज हो जाता है जब पता चलता है कि बच्चे के साथ कोई इशू है। चाहे कितना भी बंदा स्ट्रांग हो, वो एक वक्त होता है बड़ा नाजुक सा होता है। तो वो फिर उसके बाद जब लोगों का या डॉक्टर के बिहेवियर्स ऐसे होते हैं तो वो तो फिर और ही बंदा डीमोटिवेट हो जाता है। तो वो शुरू का वक्त जो था वो बहुत अफरा तफरी वाला था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर घर जब आए, सर्च किया, तो उस वक्त आज से 13 साल पहले सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, हमें अवेयरनेस इतनी नहीं थी, तो वो सारी चीजें बाहर की नजर आती थी। तो वो उनके लिए माइंड सेट होता था कि उनकी अपब्रिंगिंग बच्चों की ऐसी होती है, वो लोग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में नहीं मिलता था, कोई बात भी नहीं करता था, कोई एनजीओ नहीं पता थी हम लोगों को। वो इसी सारी चीजों के साथ बस चीजें चलते रहे, क्योंकि खुद एजुकेटेड थे। अच्छा अच्छा लैला, इसको कंटिन्यू करना है मुझे कुछ। ये मुस्कुरा रहे ना तो मुझे एक अट्रैक्शन बढ़ रही है और मैं चाहती हूँ इससे बात करना। हेलो जाफर, हाल बोल, कैसे, ठीक हो? ये यूनिक ड्रेसिंग तो बड़ी जबरदस्त पहनी हुई है। ओहो, कौन निकालते हैं आपके कपड़े? ये ड्रेस किसने आपको पहनाया? अच्छा नहीं, अच्छा, और ये यहाँ पे ये कह रहे हैं इन्होंने, ये यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये बिल्कुल अपनी हर चीज अपनी चॉइस से करते हैं। अच्छा, शूज से लेके बदल गए यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे ये ऐसा। अच्छा, सिंगिंग इनको पसंद है? बहुत पसंद है। रियली? बहुत पसंद है। जी कौन से सिंगर पसंद है? जाफर। पता है इस वक्त जाफर को ना पूरी दुनिया देख रही है। ऊपर देखो, 102 कंट्रीज में वीनस एचडी टीवी देखा जा रहा है, और पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, फैसलाबाद में, सब जगह जाफर जाफर हो रहा है भाई। है तो मुझे चाहती हूँ कि जाफर की आवाज सारी दुनिया सुने और जाफर का एक बड़ा कॉन्सर्ट करवाऊ मैं सिंगिंग का, जैसे आतिफ असलम का नहीं होता। तो सिंगिंग करनी है कि नहीं करनी है? हाँ ठीक। अच्छा चलिए जी, मुझे सुनाए कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना दो यार, मेरे कान तरस गए आपकी आवाज को। जी सोच रहे हैं कुछ अच्छा सा सॉन्ग? सोच रहे भैया, देखो अब ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा, मैं दोबारा नहीं बुलाऊंगी। ये सोच लेना फिर, अगर अभी ये अभी मुझे अच्छा सा सॉन्ग नहीं सुनाया तो अब सोचो। अच्छा जी, अदीला जी, आपके बराबर में बच्ची बैठी, क्या नाम है? इशाल हमार। इशाल, इशाल क्या करती है, इनकी एक्टिविटी क्या? इनकी एक्टिविटी जो है, पहले तो स्कूल जा रही थी, जब से फिर कोविड हुआ तो फिर स्कूल इनका ऑफ करना पड़ा, काफी गैप हो गया था, अच्छा खासा गैप हो गया था, तो उसके बाद कंटिन्यू नहीं किया। इसके बाद अब जो है ये एक और इदारा है KDSP के नाम से, कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के नाम से, वहाँ पे ये जाती हैं। तो बाकी जो है हम लोग आपस में सब मॉम्स मिलके करते रहते हैं डिस्कशन इन बच्चों के लिए। सब मॉम? जी हम लोग सब मॉम जो है, एंजल्स मॉम जो हमारा ग्रुप है। अच्छा। तो हम उसमें काफी एक्टिव रहते हैं और हम लोग आपस में इन बच्चों के लिए काफी कुछ करते रहते हैं। थोड़ा मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है जी। ऑफ कोर्स अभी मेरी इंट्रोडक्शन हुई है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मुलाकात जिसे कहते हैं, तो मुझे थोड़ा ब्रीफ करें कि ये एक इदारा क्रिएट किसने किया, ये कितने टाइम से काम कर रहे। देखिए मेरे वहाँ पे बैठे हुए नाजी ना, जिस तरह मुझे कुछ फीलिंग हो रही है ना, मैं कंट्रोल कर रही हूँ अपने अंदर थोड़ा। आपको पता है कि अभी मैं देख रही हूँ कि बच्चे थोड़े शाय फील में, शाय मतलब थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे हैं, और ये अपनी इनकी दुनिया है,
ये इनको कुछ, अब ये देखें, ये देखें आप, तो ये अपने धुन में इनको कुछ दुनिया से बेगाने, तो मुझे बताएं कि हम इनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। और बेसिकली ये इदारे का आप लोग इधर एक सिर्फ एज अ डेजिग्नेशन पे वर्किंग कर रहे हो, तो किस मतलब ये थोड़ा सा प्रोसीजर मुझे समझाइए। मैंने बताया ना जैसे शुरू में अवेयरनेस नहीं थी, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अवेयरनेस आती है। ये मैं अपने लिए नहीं ले रही है इन्फॉर्मेशन, ये वहाँ बैठे हुए नाज़रीन के लिए जी, बिल्कुल, क्योंकि अगर ये बातें मैं बयान करूंगी ना मजा नहीं आएगा। सही, कि ये करती हैं वो करती हैं, वो मुझे मालूम है आपको, तो मैं बातें छोड़ दी। तो ये होता था कि हमें नहीं अवेयरनेस थी इतनी कि क्या है क्या नहीं है। फिर जब हम, मैंने स्कूल में करवाया तो वहाँ पे भी मुझे फैमिली से इंटरेक्शन हुआ। बहुत इनिशियल मेंबर जो हमारे ग्रुप की थी वो शहवार थी, अदीला थी, हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ग्रुप बनाया जाए। अच्छा, और फिर वो जो इनिशियल फेज हमने देखा था ना कि हमें बात करने के लिए लोग नहीं मिलते थे। अच्छा, वो नए पेरेंट्स ना देखें, तो भी हमने एक छोटा सा 3-4 फैमिलीज के साथ ग्रुप स्टार्ट किया। ओके, ग्रेजुअली अब बढ़ते बढ़ते माशाल्लाह उसमें 100 से ऊपर मेंबर्स हो गए हैं, फैमिलीज जो है। एक्चुअली हमारा पर्पस ये था कि हर वक्त हम एनजीओस पे ना डिपेंडेंट रहे, हर बंदा अपनी मदद आप पे भी चल सकता है, अपने आप को भी आगे बढ़ा सकता है, हर बंदे की अपनी कुछ कैपेसिटी होती है, अपनी कुछ उसकी होती है, वहां पे रहते हुए वो काम कर सकता है। तो हमने इस तरीके से करा, शुरू में तो सिर्फ ग्रुप ही था, एक दूसरे को मोटिवेट करना, ढारस देना, नए पेरेंट्स आते थे तो उनको ढारस देना कि नहीं सब कुछ हो जाएगा। फिर अब हमने एक बाकायदा YouTube चैनल शुरू किया जिसमें हम अपने बच्चों के टैलेंट को शो करते हैं, क्योंकि मैंने जो फेस, मैंने बताया ना शुरू में कि शुरू में यही होता था कि मैं जो चैनल्स देखती थी वो बाहर के बच्चों के होते थे, उनके लिए माइंड सेट है कि ये लोग कर लेते हैं। तो हमने कहा क्यों ना हम अपना YouTube चैनल करें जिसमें हम अपने पाकिस्तानी बच्चों को शो करें और पेरेंट्स को। पर्सनली आपका है? हाँ, बिल्कुल, एंजल्स फॉर्म इंक्लूसिव के नाम से। तो मैंने शुरू किया कि हाँ क्यों ना हम अपने बच्चों को प्रमोट करें कि यहाँ के लोग भी देखें कि हमारे बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। हम हमेशा बाहर की मिसालें क्यों देते हैं जब हमारे बच्चों में भी है टैलेंट। देखिए हर बंदे में अपने लिहाज का टैलेंट होता है, हम इनके लिहाज से ही बात करेंगे, इनके लेवल पे आके ही बात करेंगे, तो इनका भी अपना एक टैलेंट है। हर कोई अपने अपने फील्ड में काम कर रहा है, जैसे अजीम है, अजीम माशाल्लाह बहुत अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट कर लेते हैं, इशाल माशाल्लाह बहुत अच्छी सिंगिंग कर लेती है, जाफर माशाल्लाह मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ रहे हैं, ज़ैनब वोकेशनल ट्रेनिंग बड़ी अच्छी कर रही है। तो हर बच्चे की अपनी अपनी एक टैलेंट होता है ना। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी सदफ, नाज़िम देखें ऑफ कोर्स मैंने कुछ पेरेंट्स से मिली हूँ और उन्होंने अपने बच्चे जो उनके स्पेशल थे उन्होंने उनकी लापरवाही की, अब वो जवान जवान हो गए ना, उनको बोलने में उनका उनके अपनी बात कन्वे करना बड़ा मुश्किल है, जैसे रुक रुक के बोलना, फिर उनका कॉन्फिडेंस लेक, फिर उनका कोई हुनर नहीं, कुछ एजुकेशन नहीं। अब वो पेरेंट्स जो है ना ऑफकोर्स एक एज में चले जाते हैं तो फिर वो दुखी होते हैं कि मैं, मेरे बच्चे का मेरे मरने के बाद क्या होगा, या मैं नहीं रहूंगी तो बड़े भाई क्या देखेंगे, इनकी भावजें इनको देखेंगी, इनकी बहन ऑफकोर्स शादीशुदा हो जाती हैं, भाई जो है वो शादीशुदा हो जाते हैं, उनकी बीवियां, तो क्या मेरे बेटे का कोई ख्याल करेगा या मेरी बेटी का। तो मैं पहले से एक रिक्वेस्ट करूँ, अगर अल्लाह की ये आजमाइश, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ आपके पास बच्चा आ जाए तो उसको आप इसी तरह ट्रीट करें जिस तरह आम बच्चा होता है। जरूरी नहीं आपका स्पेशल है तो वो उस दुनिया से कट गया, ऐसा कुछ नहीं है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि कल वो अपना काम खुद कर सके, वो अपनी बात डिलीवर कर सके और अपने लिए खुद जो है ऐसा उसको हुनर मिल जाए कि वो कभी किसी का मोहताज ना हो। सर तो क्या कहते जी? बिल्कुल, यही था हमारा भी मोटो जो था कि बच्चों को इंडिपेंडेंट कर दें। बहुत ज्यादा बड़े ख्वाब नहीं है हमारे, लेकिन इतना हो जाए कि वो अपने आप को कोप अप कर सके। बकौल आपके कि कोई किसी को जिंदगी भर नहीं देखता, नहीं 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 नहीं, नहीं देखता, माँ-बाप बिल्कुल, हाँ, और वो सारी जिंदगी नहीं होते हैं बच्चों के साथ। तो इतना हो जाए कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाए, अपना खा पी लें, अपना पहन ओढ़ लें, कुछ छोटी मोटी ऐसी अर्निंग का से बात करवाइएगा। जी जी बिल्कुल। अजीम, अजीम क्या करते हो आप बताएं? पेंटिंग तो लेके क्यों नहीं आए मेरे लिए? क्या भाई भूखे लेके आए हैं अजीम? अरे जय अजीम दीजिए। अरे अल्लाह, तो अजीम के हाथ का बना हुआ है। थैंक यू सो मच, जजाए खैर, जीते रहो। बहुत खूबसूरत है अदीला जी, देखिए जरा ये नाज़रीन, आप लुक एट दिस, ये फ्लावर्स, ओ माय गॉड, ये मैं एक क्रिएशन मिली है कि हम लोग जो फ्लावर देते हैं वो दूसरे दिन सूख जाते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले करूंगी और इसको मैं इसमें से निकाल के ना इसको प्रॉपर इस तरह इसको डिस्प्ले करूंगी। रियली मैं बहुत खुश हूँ, ये नाज़रीन ये क्रिएशन भी है और एक क्रिएटिव बंदे की क्रिएशन है, मैं इसको कभी नहीं भूल सकती। और फिर आप लोग कहते हो कि हमारे हाथ पाँव सलामत है और आप
अरे काम नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हर वक्त शिकवे गिले, हर वक्त शिकवे गिले। और इन लोगों से सीखे जो हमारे लिए बहुत बहुत स्पेशल है। चले जी बात कर, ये कुछ अच्छा एक एक चीज़ मैं नोट करी, दृश्य हमारे यू आर डॉक्टर, इनको जब हमें पता चल जाता है, ऑफकोर्स ये कोई वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है, अल्लाह पाक की, अल्लाह पाक हमें हर चीज़ नहीं मिलती, जब वो इतनी सारी देता है तो कुछ नहीं देता तो उसका भी शुक्र करना चाहिए। अल्लाह पाक ये भी देखते हैं, मैं इतना कुछ देता हूँ उसका शुक्र नहीं है, जो नहीं देता उसके लिए रोना है। तो मुझे बताइए इनके अंदर तो कॉन्फिडेंस कम क्यों होता है? अच्छा, पहले तो ये जो आपने अभी बात की कि अल्लाह में सारी नेमतें दे दे जो नहीं देता, हम तो इस बात पे, मैं इस बात पे ही वो हूँ कि भाई इसी, यही हमारी ज़िंदगी है, जाफ़र अली हमारी ज़िंदगी है। मतलब मुझे ये भी नहीं है कि ये जो लोग कहते हैं कि भाई इसकी वजह से हमें जन्नत मिल जाएगी, क्यों मिलेगी, जैसे आप सब लोगों के बच्चे हैं वैसे ही हमारा ये बच्चा, और हम बिल्कुल उसको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। कॉन्फिडेंस कम होने का वही है कि सोसाइटी का प्रेशर, पेरेंट्स बहुत कम इस तरह के हैं, पेरेंट्स बहुत बहुत कम इस तरह के हैं कि वो जो लेके जाके अपने बच्चों को दिखाते हैं बिल्कुल ओपन, क्योंकि आप बहुत सारे लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते इस बात को कि लोग इस तरीके के टॉन्टिव वे से देखें या हर्ट हों। अब ऐसा ऐसा खैर यहाँ पे भी एक्सेप्टेबिलिटी आती तो जा रही है, लेकिन वो चीज़ जो इन बच्चों के लिए हर किसी के दिल में है वो नहीं है, अभी भी वो नहीं है। मतलब वो इस तरीके से देखते हैं कि भाई हाँ ये हो गया बेचारा है और ये पेरेंट्स बेचारे हैं। हालांकि हम, मैं तो आपके इस प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहती हूँ, बिल्कुल बेचारे नहीं है, ना हम ना हमारा बच्चा, बिल्कुल, क्योंकि ये तो ब्लेसिंग, मतलब ब्लेसिंग क्या, जैसे आप लोगों के बच्चे वैसे ही हमारा बच्चा, ना ये हमारे खुदा ना खासा किसी उसका समर है, जिस तरह से लोग, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि शायद इन लोगों ने कुछ कर दिया कि इसकी वजह से ऐसा हो गया। मैंने अभी शुरू में कहा बिल्कुल, आपने ये सब बातें, सब बातें, क्योंकि हम किसी के लिए ना जन्नत ना दोजख मुकर कर सकते हैं, ना हम किसी के लिए कहते हैं कि ये गुनाह और सवाब का, ये कुछ भी नहीं, हम लोग इस काबिल ही नहीं है भाई, हम खुद इतने गुनाहगार हैं। इंसान अपने गरिमान में झांक के बोल देखे ना, फिर उसे पता चले कि वो कितना गुनाहगार है। और माशाल्लाह से तो जाफर अली, मतलब सारे पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को वो करते हैं जितना ज्यादा कर सकें। अब ये है कि ये इतना इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हर जगह खुद जाके शॉप्स में जाके लेना, और इनके कितने फ्रेंड्स हैं, कितने अभी तक स्टूडेंट, कितने बच्चे हैं अभी तक, हाँ सॉरी, कितने अभी तक और बच्चे आपके वो हो गए, मतलब कितने बच्चे हैं आपके इंस्टीट्यूट में, इदारे में, या आपके एंजल मॉम्स में कितने स्टूडेंट हुए हैं? हंड्रेड से ज्यादा। तो ईच शो आपके साथ हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल मैं इन बच्चों के साथ अगर ये शो करूंगी ना, मुझे बच्चों का डे आ रहा है, एक्चुअल यही था कि डाउन सिंड्रोम डे आ रहा है 21 मार्च को, तो हमारी वो सेलिब्रेशन भी रहती है इन बच्चों के साथ। हाँ, डाउन चेंज कर देना डेट उस दिन, मेरा एक बड़ा शो है, अगर कोई डेट चेंज कर, हाय अल्लाह मैं दुनिया की थकी हुई लड़की हूँ, मैं क्या करूँ, इससे कितना काम लेते हो आप लोग, घर में काम वाम करती हो, खाना पकाती हो, बर्तन धोते हो, पूरे वक्त चूल्हे बंद होते रहते हैं, सही चेक होता रहता है, दरवाजा चेक, बिल्कुल कॉपी करती है मेरी, जिस तरीके से मैं कर रही होती हूँ वो सारी चीजें करना, कॉपी बहुत जल्दी करती है, लड़ाई कितनी, लड़ाई भी बहुत करती है। नहीं नहीं नहीं, डाउन सिंड्रोम बहुत कॉमन क्वाइट होते हैं। अच्छा, हाँ डाउन सिंड्रोम में लड़ाई नहीं होती, बिल्कुल बहुत लविंग केयरिंग होती है। रियली? हाँ नहीं बिल्कुल, ये तो फिर हमसे तो बहुत अच्छा, हम तो थोड़ी देर में, मैं तो इतनी लड़ाई करती हूँ जाफर, मेरे को तो कोई मिल जाए मैं तो उसकी पिटाई कर दूँ। नहीं लेकिन अच्छी बात है, बुरी बात है तो सही आता है, बुरी बात है ऑब्वियसली, किसी को पिंच किया जाए तो नॉर्मली भी किसी को गुस्सा आएगा, जब तक छेड़ेंगे नहीं तो बिल्कुल सही, जब तक इसको छेड़ा जाएगा तो ये फिर दोस्ती होगी मेरी आपके साथ, पक्की फ्रेंड, भाई दोस्ती होगी मेरी बच्ची के साथ। अब जाफर के साथ दोस्ती जब होगी, जब जाफर मुझे अच्छे से सॉन्ग सुनाएंगे। चले जी स्टार्ट हो जाए, अब ना टाइम जाया कीजिए, अब सॉन्ग सुना दो, जाफर सुनाओ, चलिए ये देख कौन सा बोल दो ना, ठीक है जल्दी बोल दो, चलो शुरू करो जाफर। हाँ जी, ये तो कोई बात नहीं, जब आपकी बारी आती है इशाल सुनाएगी, इशाल सुनाएगी, इशाल आप सुनाए, चले अये अल्लाह, चले इशाल सुनाए, दीदी नहीं चल रहा है, देखा ना ये तो मैंने तो सुनाई कुछ, जल्दी dear dear pakistan ja ja pakistan aisi jame aa atma inke sin jeeva jana kahan badhti ja hai ye
सरीन चे डरा है ये कारवा दी 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 पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दी दी अब जाफर की बात चलेगी उसके लगाए ना बहुत क्यूट सी लग रही है ज़ैनब स्पीच करेगी इसको अच्छा एक चीज में देख रही थी दुरेश अवार ये आपके उसका बस ना चले ये दोबारा आपके दिल के अंदर चले बिल्कुल बिल्कुल ये मेंशन करो नहीं चुप होकर सुनो मैं जो कह रहा हूँ तो ये मोहब्बत में देख रही थी ना यकीन करें अल्लाह पाक आपको खुश रखे जो ये बच्चे मोहब्बत करते हैं ना अपने पेरेंट्स से वो दूसरे बच्चे नहीं करते ये कहते घूम फिर के यूं आएंगे मॉम घूम फिर के और नाम ऐसा ग्रेट रखा है हाय हाय एंजल वाकई में आप लोग तो वैसे ही माँ तो वैसे ही फरिश्ता होती है तो लफ्ज ही यहाँ खत्म हो जाते हैं तो जी थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा मतलब बुरे या थोड़ा सा शैबी इस कपड़े थोड़े से इस तरीके से हों तो ये भी इनको बर्दाश्त नहीं होता अब हाँ कि ऐसी मेरी मम्मा इस तरह से लगे सारे बच्चे ऐसे बाबा से कितनी अटैचमेंट होती है बाबा जाफर की तो जिंदगी मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इसके लिए जितने ये तो मैं तो शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा हूँ इनकी दोनों की लाइफ में ये दोनों इतने एक दूसरे के हैं कि तीसरे की गुंजाइश नहीं है मेरी भी इवन कभी कभी नहीं होती क्योंकि मैं तो वैसे ऑफिस में इतना ज्यादा टाइम लगता है तो जाफर के डैडी ने हर चीज अपनी इन्हीं इसी के हिसाब से अपना वो किया हुआ सारा शेड्यूल अच्छा पहले एक वक्त होता था मैंने देखा बहुत पहले की बात है ऐसे ऐसे इदारे में जब मोहल्ले में रिश्तेदारों में हेजिटेशन होती थी बच्चा स्पेशल हो या तो उसको बंद कर देते थे या जाके किसी इदारे में छोड़ के आ जाते थे रियल में सच कह रही हूँ और इदारे भरे पड़े थे ऐसे बच्चों से लेकिन अभी बहुत चेंज माइंड हो गया है और इसमें यानी कि एजुकेशन अवेयरनेस और हर चीज़ यानी कि एक कह सकते हैं फेस करना आ गया माँ को कि मेरा बच्चा है भाई मेन चीज फेस करनी आप कौन होते हैं और पूरा उसको ट्रैगर करना वरना पहले लोग वो जैसे होता था ना कि शर्म आती कोई किसी ने देख लिया मेरे ऐसे बच्चे को मैंने एक घर में देखा है उसने स्पेशल बच्ची को कमरे में बंद किया और सारे बच्चों को शादी में जा रहे वो चीख रही है अंदर वो डोर पीट रही है कि खोलो 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 तो मुझे मैं हैरान होती हूँ कि यार कैसे पेरेंट्स हैं यार मैं खुद दुखी हो गई थी वो बच्ची सब ईद के कपड़े पहने हुए थे और वो बच्चों को लेके जा रहे थे तकरीबन और उसको बंद कर दिया था मैं क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा करते हैं ना कि अच्छा आपने बाद में बात करने पहले मैं ये जो है ना ये बच्ची इशाल जी इशाल स्कूल जाते हो नहीं मैं सच जा कहाँ जाते हो फिर बताओ कहाँ जाती हो सीखने कहाँ जाते हो ये माइक में बोले या नहीं नहीं आवाज आएगी आपके माइक से बहुत माशाल्लाह अच्छी आवाज आ रही है दे दो माइक तो दे दो ये लो जाफर देना इशार को इशार आप इतने चुप चुप क्यों आपको पता इतनी खूबसूरत आप चाइनीज लग रही हो चाइना वाले उठा के ले जाएंगे नहीं बोलते हैं इसको चाइनीज उठा के ले जाएंगे इशार को बताओ कहाँ जाती हो नी हाओ प्रदेश में जाती हूँ
क्या डीएसपी में जाती हूँ। हैं अच्छा, बड़े होके ईशाल क्या बनेगी? डॉक्टर, पायलट, क्या बनोगे? टीचर बताओ। मैं आप जोर से बोल सकती हैं शेफ बनना चाहती हूँ। चलिए जी, यानी आप हमारे साथ कुकिंग सेगमेंट होगा तो ये हमारे साथ ही होंगे। चलिए जी नाज़रीन, हम लोग चलते हैं कुकिंग की तरफ, या जाने और आने छोटी सी लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ और मेरे प्यारे प्यारे एंजल्स मॉम्स और उनके एंजल बच्चों के साथ। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन, और यहाँ पर शेफ शफक अजीज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और ये स्पेशली आई हैं इस क्रिस्टन इंस्टीट्यूट से, जहाँ पर बच्चों को बेकिंग, कुकिंग और डिफरेंट कॉन्टिनेंटल फास्ट फूड, चाइनीज सब कुछ सिखाया जाता है। ऐसा ही है कि नहीं है? जी बिल्कुल, जो आपको पसंद है। कुछ लोग बेकरी आइटम्स बहुत शौक से बनाना पसंद करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल करना नहीं, फास्ट फूड सब सब सब। अच्छा जी, आपकी स्पेशलिटी आज डिश क्या है और आप बना क्या रहे हो? ये चिकन व्हाइट कढ़ाई बना रही हूं। चिकन व्हाइट कढ़ाई, ओह माय गॉड। और इसके लिए इंग्रेडिएंट्स हैं, ये चिकन मैंने लिए हाफ के जी, योगर्ट है 250 ग्राम से योगर्ट, चिकन हाफ के जी और दही और 250 ग्राम योगर्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्रश जिंजर है हमारे पास, 1 टेबल स्पून यूज करेंगे। गुड। गार्लिक 1 टेबल स्पून। गुड। ग्रीन चिली पेस्ट हमने लिया है 1.5 टेबल स्पून। ठीक है, गुड। ड्राई स्पाइसेस में मेरे पास ब्लैक पेपर पाउडर है 1 टीस्पून, क्रश कोरिएंडर 1 टीस्पून और क्रश क्यूमिन पाउडर है 1 टीस्पून और व्हाइट पेपर हम 1/4 टीस्पून यूज करेंगे। ओके, ये हो गया सब इंग्रेडिएंट्स। और क्या नेक्स्ट? ठीक है, ये लास्ट में हम क्रीम यूज करेंगे 4-5 टेबल स्पून। ठीक है, जाएगी इसमें होल चिलीज ग्रीन, इसमें जाएंगी 5-6। ओके, और यस ये गार्निशिंग के लिए? ये गार्निशिंग के लिए है, इसमें कोरिएंडर है, फ्रेश कोरिएंडर है, जिंजर है, जूलियन और ये, और इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स बनाए हुए इन्होंने जबरदस्त। ये भी अच्छी एक आर्ट है। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हीट अप कर दिया हम लोगों ने, फ्लेम को ऑन कर दिए और अल्लाह का शुक्र है कराची की में गैस आ गई, मेरे गांव में बत्ती आ गई। बड़ा खुश होते हैं। थोड़ा सा हीट अप करते हैं। सबसे पहले ऑयल डालेगा, ऑयल 4-5 टेबल स्पून। जी नाज़रीन, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी के किचन में। अगर आपने कोई भी अपनी फेवरेट डिश, अगर आप चाहते हैं कि वो डिश जो रह गई है वो यहाँ बननी चाहिए, तो आप फरमाइशी प्रोग्राम, हमने सुना फरमाइशी प्रोग्राम सिंगिंग में होता है, नहीं भाई कुकिंग में भी होता है। शेफ शफक, अच्छा शफक मेरी ना भांजी का नाम शफक है, उसको प्यार से सपना कहते हैं लेकिन वो है कनाडा में, तो अब शफक जब मैं भूल ही रहा नाम, और अक्सर कभी कभी नाम मैं भूल जाती हूँ लेकिन शफक का नाम तो नहीं भूलूंगी, और ये भी मेरी भांजी की तरह है, कोई बात नहीं। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करेंगे सबसे पहले। अच्छा जो लोग मुझे देखो, ओके चिकन को हम कलर चेंज कराएंगे तब जो है वो फ्राई करेंगे। ऑफ कोर्स वही का अलग सा कलर होता है, इसका व्हाइट कलर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ। तो ये व्हाइट हो जाएगी बिल्कुल जी। ऑफ कोर्स चिकन को हीट अप ऑयल में डाला और इसका कलर हम चेंज करें। अच्छा इसके अलावा कौन, पर्सनल अपनी आपकी फेवरेट डिश कौन सी? मुझे चाइनीज फूड ज्यादा पसंद है। सन्नू तू देसी खिला रही और खुद तू चाइनीज पसंद कर ली। डिमांड आई थी आज के शो में, डिमांड। गुड जी, क्या बात, यही तो मैं चाहती हूँ, आप लोग अपनी फरमाइश करें और गुड मॉर्निंग विद सभी का जो स्पेशली सेगमेंट है कुकिंग का, तो वो आपकी फरमाइश पूरी करेगा। आप कढ़ी बना डिफरेंट, अच्छा हैदराबादी कढ़ी हो गई या हैदराबादी फूड्स। कल मैं एक जगह गई तो उन्होंने मुझे और कहा कि अब सिंधी बिरयानी आपको खिलाएंगे, तो अल्लाह मेरा इतना दिल किया। पर आप सुन रहे हो स्किल्सटन की कुकिंग क्वीन शेफ परा, तो मैं चाहती हूँ आप सिंधी बिरयानी बने, कुछ तरह देसी टच भी हो जाए। जो सिंधी बिरयानी, इसमें कोरिएंडर, ठीक है, सॉरी इसमें गार्लिक जिंजर और ग्रीन चिली पेस्ट, ये तो टेस्ट में आ जाएगा ना सब जी। अगर आप उसको ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते ग्रीन चिली आप बढ़ा सकते। ओके, मैंने मीडियम स्पाइसी। ठीक है, ठीक, गुड, जबरदस्त। अभी इसकी
अच्छा मैं भी इसी तरह थोड़ा ना ये जिस तरह आपने किया पहले इसका चिकन का अरोमा सा निकाल देते हैं जी। और उसके बाद में इसी तरह लेकिन आप तो बड़ी मेजरमेंट मैं तो बस चटपट तो ये फर्क होता है शेफ में योगर्ट में ऐड करेंगे ओके ये लीजिए 1 टीस्पून आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं कोई क्वेश्चन करना चाहे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर अच्छा इधर आप इधर ना नजर नहीं इधर ही आ जाओ 1/4 टीस्पून ओके व्हाइट पेपर है फ्रेश कोरिएंडर है 1 टीस्पून ओके और ये रोस्टेड फ्रेश क्यूमिन पाउडर ओके कोरिएंडर क्यूमिन को मैंने रोस्ट करके फ्रेश हम योगर्ट में मिक्स कर लेंगे ओके अच्छा इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको जिन्होंने अभी अभी विनर्स एचडी एंड गुड मॉर्निंग विद सभी की स्क्रीन को ऑन किया है एंड शिफ्ट किया है ऑफ कोर्स आपके हाथ में रिमोट होता है तो आप सुन लें सबसे पहले ये जो डिश है वो वाइट कढ़ाई है शेफ शफक मौजूद है और इन्होंने सबसे पहले किया है इसके अंदर डाला है ऑयल अच्छा मेरे जो है ना स्पेशल बच्चे आए हुए तो शोर हो रहा है जरा बच्चो चुप हो जाओ आवाज यहाँ तक आ रही है आपकी वैसे मजा तो आ रहा है मुझे लेकिन आप लोगों को आवाज़ नहीं जाएगी सबसे पहले इसमें ऑयल डाला है फिर हम लोगों ने इसमें आधा किलो हाफ के जी चिकन ऐड की है उसका जो है चेंज किया कलर वाइट कर लिया क्योंकि वाइट कढ़ाई है तो चिकन वाइट कर लिया फिर इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डाला फिर उसके बाद ये योगर्ट में ब्लैक पेपर है क्यूमिन है कोरिएंडर है और वाइट पेपर है अच्छा जी दही के अंदर पिसा हुआ सूखा धनिया जैसे कुटा हुआ क्रश कर लिया रोस्ट करके इसको जरा सा आप भून दें उसको जीरे को भून दें और फिर उसमें काली मिर्च है ये तीन चीजें अच्छी तरह मिक्सिंग करें दही में और इसमें ऐड कर दें सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं ना अकॉर्डिंग टू टेस्ट जितना तनु पसंद है ना डाल ये देखें जबरदस्त शेफ मैं कसम से मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी शेफ बन जाऊंगी इंशाल्लाह अच्छा जी हम लोग चलते हैं कितनी देर लगेगी चंदा इसको 10 मिनट चिकन टेंडर होने इसको ग्रीन चिलीज भी ऐड हो जाएंगे अच्छा इसको हमने ढक देना जी ओके चले जी अब 10 मिनट के लिए जा रहे हैं कहाँ पर थोड़ा टाइम अच्छा ये जस्ट 10 मिनट में बन जाएगा 10 to 15 और उसके बाद इसको इसमें लेमन जूस जाएगा इसमें ये जाएगा गरम मसाला और फ्लेम से हटा कर इसमें क्रीम ऐड करें ठीक है जब ये हम शिफ्टिंग करेंगे मुझे आपने यूं इशारा करना सर भी ठीक है शेफ शफक हमारे साथ मौजूद हैं ऑफ कोर्स ये आई हैं स्किल्स्टन से स्पेशली थैंक्स फॉर स्किल्स्टन एंड थैंक्स फॉर फना और आपने पूरा रमजान इनकी स्पेशल स्किल्स्टन की स्पेशल डिशेस देखनी है हमारे साथ ज्वाइन रहिएगा रमजान ट्रांसमिशन शुरू होने वाली है ऑफ कोर्स जब रमजान शुरू होंगे तो हम आपके साथ पूरा रमजान इंशाल्लाह ताला रहेंगे आपके साथ और डिफरेंट डिशेस जो किचन में बनती हैं रमजान में वो आपसे शेयर करेंगे लेट्स सी हम चलते हैं अपने स्पेशल एंजल मॉम्स की तरफ जो अपने बच्चों के साथ बहुत हैप्पीनेस मूड में है जी मैं आ गई आपकी तरफ आप मुझे बताओ सदफ ये बीच में कैसे आ गई पहले तो ये बताया जाए कैसे स्विच कर गई अच्छा सुनाए फिर इनको बोले पहले वो सॉन्ग सुना रही है भाई अच्छा वाओ बस नाराज गुड अब स्पीच चले माय नेम इज एनम अली सुनाए जल्दी से हालांकि की इन्होंने आते का ये खाना जैसी है और कोई तो खाना बिस्मिल जैसी है बहुत अच्छा चले जी मजा आ गया मुझे तो बहुत खुशी हुई बहुत जबरदस्त सॉन्ग सुनाए लेकिन मैं एक बच्चे से नाराज हो गई किससे जाफर से हां अभी मेरी तो चलो वो सिंगिंग कर रहे थे द द दिल दिल जमी द दिल दिल फासिता दिल 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 फासिता दिल दिल फासिता दिल दिल
पाकिस्तान जबरदस्त। इन्होंने दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान जो है हमारे मैं एक बात कहना चाहूंगी अदीला से। अदीला इनकी मतलब ये कभी किचन में जाती हैं? ये किचन में जी मेरे साथ हेल्प करती हैं। अच्छा अच्छा, मुझे सदफ आप अपने एक इवेंट है जी बिल्कुल सामने चाह रही हूँ कैमरे में देख के अच्छी तरह ब्रीफ कर दी हमारे नाजीन को गौर से सुने क्योंकि इनका एक स्पेशल इवेंट होने जा रहा है उसके बारे में ये ब्रीफ करेंगे। जी हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड का एक डे आ रहा है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च को, जिसके लिए 20 मार्च को हमारे यहाँ KDSP कार्निवाल कर रहा है एक मुइन खान एकेडमी में। आप लोग आइए, सपोर्ट कीजिए हमारे बच्चों को और शो कीजिए कि आप लोग इन लोगों को अपने जैसा ही समझते हैं और कोई डिफरेंस नहीं समझते। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है क्योंकि ये बच्चे सिर्फ आप लोगों से लव और केयर मांगते हैं। जजाकल्ला। क्या बात है, 21st को 21st को इनका डे है और 20th को मुइन खान एकेडमी में जो है वो कार्निवाल मनाया जा रहा है संडे को। ओके, कितने बजे से कितने बजे? 3 बजे से लेके और रात 9 बजे तक का कार्निवाल है हमारा और उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, बच्चों के गेम्स होते हैं, एक फन टाइम हुआ हुआ होता है, बच्चों का डांसिंग फ्लोर होता है, हर तरीके की एक्टिविटीज होती है। बहुत अच्छा, इधर डांस किसको आता है दिले ये बताओ, फिर वो तो सबको आता होगा। डांस लेवल म्यूजिक लेवल भाई को बताए कौन सा सॉन्ग लगवा दूं तो फिर ये कर लूंगा। शाम सॉन्ग को रेडी रखिएगा हमारे इनके जब खुदाफिस करूंगी ना इनके साथ डांस परफॉर्मेंस है इन तीनों की। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। कौन सा म्यूजिक? कौन सा म्यूजिक? थोड़ा सा जोशीला होना चाहिए। भंगड़ा? यस, सही है ना? बस सही, डन हो गया भाई। हम लोगों ने म्यूजिक रेडी कर दिया है और आप लोगों ने जैसे म्यूजिक लगेगा मैं आपसे फिर खुदाफिस करने के साथ साथ फिर इनका डांस परफॉर्मेंस। जी नाज़, आप लोगों ने इनका स्पेशल डांस देखना। मुझे जरा शहजाद भी टाइम बता दे, मैं दुरेश वार से जब तक बात करती हूँ। जी अच्छा जी, मेरे ख्याल में हम दुरेश वार ये बताओ कि बच्चे ऑफकोर्स शादियों में भी जाते होंगे तो ये इसी तरह जैसे सब तैयार होते हैं और सब लोग खाने पीना इसी तरह जैसे हम लोग तंग करते हैं इसे हम लाइक बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ ना कि इसने अपना अपना रूम सेपरेट कर दिया। मतलब ये तो 2-3 साल पहले की बात है। अब अच्छा। हर चीज अपनी सही से सेट करके रखते हैं। अच्छा। शादी में किसी इवेंट पे जाना हो तो उसके कपड़े उसके शूज बिल्कुल हर चीज मतलब इसमें इसने मुझे कभी भी तंग नहीं किया कि मुझे मैं उसको बोलूं या क्या। वो खुद अपने सही से तैयार हो जाता है। स्कूल के लिए कभी उसने तंग नहीं किया, अपने यूनिफॉर्म हर चीज़ उसकी होती है कि भाई हाँ बस सेट हो ताकि मैं सुबह सुबह उठ के जाऊं। बाकी ये है कि गाने बहुत ज़्यादा सुनते हैं। अच्छा, म्यूजिक गाने मुझे तो, मैं तो इनसे नाराज़ हूँ। इन्होंने मुझे कोई सॉन्ग नहीं आपको सुनाया था, छुप छुप के सुनाया मुझे सॉन्ग नहीं सुनाया मम्मा ने नहीं, लेकिन आपने नहीं, मम्मा ने थोड़ी सुना। भाई मेरे गेस्ट थे ना, मेरे मेहमान हो ना आप, मैंने आपको बुलाया तो आप मुझे तो सॉन्ग सुनाओ ना। अब तो नहीं फायदा। अच्छा। नहीं काहे माइक दो भाई, अब नहीं सुनाया ना फिर मैं बिल रोने लग जाऊंगी मैं सच में। आवाज़ तो निकालो, जोर से बोलो ना। हुआ है याद पहली बार, घर में भी ऐसे गाते हैं बिल्कुल सीधा गाते हैं जोर से। इनका अपना वो अजीम ने अच्छा सुनाया। यू आर विनर अजीम, आप जीत गए। देखो अच्छा सुनाया ही नहीं, आपके घर भी नहीं आऊंगी। देखो अब्बा बुलाएंगे मैंने बुला इन्होंने ने अच्छा मेरे को कान से पकड़ के किसके कमरे में जिसके रूम्स में पेंटिंग्स या डिफरेंट चीजें लगी होती हैं?
हाँ इनका है, जैसे गर्ल्स हैं तो पिंक इनका रूम है, पेंटिंग हुई हुई है उसी लिहाज से। माशाल्लाह ये लोग बच्चे कंपोज बहुत होते हैं, अपनी चीजों को संभाल के रखना, यानी मुझे अपने बच्चों में सबसे कम इसको कहना पड़ता है कि अपनी चीजों को उठा के रखे, प्रॉपरली हर चीज को अपनी जगह पे रखेगी। बाकियों को मुझे कहना पड़ता है कि स्कूल से आने के बाद टेक ऑफ योर शूज, तो लेकिन ये आते ही शूज उतारेगी, कपड़े चेंज करेगी, फिर खाने पे फौरन आ जाएगी। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया सदा, अदीला आपका बहुत शुक्रिया, दुरेश्वर खुश है, आबाद है, आप लोग इनकी ढेरों दुआएं, अल्लाह पाक के खास करम नवाजी आप लोगों पर, और आप मेरी बहनें, अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को इनवाइट करने का, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हम इनसे तो चाहेंगे इजाजत, क्योंकि एवरी थर्सडे आपको पता है हमारा एक ब्यूटी सेगमेंट होता है, लेकिन मैं जाती हूँ ऑफ कोर्स शेफ की तरफ और लास्ट उनकी प्रेजेंटेशन देखते हैं और फिर हम लोग आपसे इस सेगमेंट के खुलाफिस करेंगे। जी कहाँ तक पहुंचा शफक? बस रेडी है, अब हम इसको फ्लेम से रिमूव, बस आप इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको क्लियर करें, फिर इसकी प्रेजेंटेशन या डिस्प्ले कर दीजिएगा। सॉन्ग रेडी रखें और हमारे स्पेशल बच्चों की डांस परफॉर्मेंस, और लेंगे यहाँ पर छोटी सी ब्रेक, और साथ साथ आप सेंड मार्केटिंग का पैकेज भी देखिएगा ब्रेक में, और जी डांस सॉन्ग लगा दें, चले जी आ जाए मैदान में अजीम, कम जैन। गुड मॉर्निंग विद सभी, कहती है आपको खुश आमदेद, और ये है ब्यूटी सेगमेंट, और आज है थर्सडे तो ये ब्यूटी सेगमेंट किसका है? जी हाँ, कलर कॉस्मेटिक्स जैनी का, और जैनी कॉस्मेटिक्स जो है वो एक ज़बरदस्त ब्रांड है और तमाम ब्यूटिशियन इसको बहुत लाइक करती हैं, उनका फेवरेट है, क्योंकि ये ना सिर्फ रिजनेबल है बल्कि एक ऐसा ब्रांड है जो आप जब यूज़ करते हैं तो आप हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि यूज़ में भी ये दी बेस्ट है। तो इस वक्त कौन प्रेजेंट कर रहे हैं? ऑफकोर्स उनके ब्रांड एम्बेसडर एज अ मेकअप प्रमोटर भी हैं, और एक ऐसी पर्सन जो ब्यूटी क्वीन है और उसका यूज़ भी करती हैं और ज़बरदस्त ब्राइड्स भी बनाती हैं, तो शगुफ्ता बाबर से मैं बुलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ्रॉम जैनी सलोन से शगुफ्ता, कैसे आप? ठीक हो? माशाल्लाह ये सातवां आठवां शो आप कर रहे हो हमारे साथ कलर कॉस्मेटिक्स जैनी के साथ, बहुत बेनिफिट हुआ हमें आपके शो में आके, माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिए। नहीं अच्छा है ना, एक एक हम तो सिर्फ देखे आप टैलेंटेड हो, फिर ब्रांड ऑथेंटिक है, तो फिर हम सिर्फ ब्रिज का काम करें कि उधर तक बात पहुंच जाए जिन ब्यूटिशियंस को नहीं। नहीं खाली मेरे टैलेंट की भी नहीं होती, कॉस्मेटिक भी अच्छा हो तो फिर बात होता है थोड़ी। नहीं ऐसी कॉस्मेटिक्स तो कभी भी कोई भी एक जिसका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा वो हाथ भी नहीं रखता, तो ऑफकोर्स आपने कुछ समझा तो रखा ना। बहुत ज़बरदस्त इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, मैं हर थर्सडे को करती हूँ, और सभी आप लोग देखते हो कि कितना ज़बरदस्त लुक आता है और बहुत क्विकली, और मुझे इतनी सारी अब कॉल्स आती हैं, फिर मैं शफक का नंबर देती हूँ कि हमारे यहाँ पर आएँ और हमें ब्रीफ करें, मतलब एक उनको लगा है कि ये कुछ चीज़ तो आपको माशाल्लाह बहुत अच्छा, शफक से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक हूँ, शुक्र है, आप कैसे हैं सब लोग? माशाल्लाह बड़ी मसरूफ। अच्छा शुरू में थी इतनी मसरूफ नहीं थी, अब तो जब से जैनी कॉस्मेटिक सब तक पहुंचा है शफक का जो है ना वो मसरूफियत बढ़ गई, ऐसा कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन टिंग टिंग टक टक मैसेज आते रहते हैं। ऐसे ही है, कहाँ तक पहुँचे? अच्छा अब तो क्योंकि इंस्टीट्यूट में क्लासेस वगैरह जो है वो ऑन हो चुकी है हमारी, और बैक टू बैक जो है वो इवेंट्स भी चल रहे हैं, तो मार्च का महीना तो तकरीबन समझ लें माशाल्लाह काफ़ी बिजी गया है और बहुत ही अच्छा गुजरा है, तो ये है कि इंशाल्लाह और भी आने वाले वक्तों में और साथ साथ जो है वो जहाँ तक जैनी नहीं पहुँच पाया है वहाँ तक हम पहुँचाएँगे इंशाल्लाह, और जो है क्लासेस भी देते रहेंगे, और इंशाल्लाह न्यू इंस्टीट्यूट के हवाले से जो है ना वो भी हम आपको साथ लाइन अप करते रहेंगे कि कहाँ कहाँ इंस्टीट्यूट में हमारी प्रोडक्ट अवेलेबल है, ताकि जो स्टूडेंट्स ट्रेनिंग लेना चाहती हैं इंस्टीट्यूट के थ्रू तो वहाँ जाके वो जैनी पर भी काम सीख सकती हैं। ओके जी, अच्छा मैं चाहती हूँ कि शफक आज ऑफकोर्स जो है वो मॉडल भी मौजूद है, तो आज कौन सा मेकअप आप सिखा रहे हो?
अब मिस बताएंगे, मिस आप आज कौन सा कर रही हैं मेकअप? आज मिस जो है ये आ गई है मिस जी, यस शगुफ्ता आज कौन सा मेकअप है? आज एंगेजमेंट मेकअप कर रहे हैं हम लोग। ओके, सॉफ्ट लुक देंगे, सॉफ्ट लुक, सॉफ्ट लुक और बहुत क्विकली और टू बेसिस के साथ। ओके, ओनली क्विकली जी, क्विकली जबरदस्त जी। वहां से आप ले लो और मैं जी नाजीन आज बताऊंगी क्योंकि आपने बहुत सारे ब्राइड्स मेकओवर देखे हैं। कैमोफ्लेज करेंगे सबसे पहले बारात का, वलीमे का, मॉडल मेकअप, इंडियन मेकअप सब देखा है और आज है एंगेजमेंट मंगनी का जो हम कहते हैं या पार्टी मेकओवर भी कह सकते हैं। तो बड़ा सॉफ्ट सा होता है और बड़े जबरदस्त लगता है लेकिन उसके लिए भी एक ब्राइड तैयार हो रही है तो अच्छा ही लगना चाहिए। तो हम चलते हैं शगुफ्ता बावर की तरफ और ये स्टार्ट हो गया। सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट लगा जी? हम सबसे पहले स्टिक यूज कर रहे हैं जो विद प्राइमर है, कैमोफ्लेज कर रहे हैं हम लोग ओरिएंटल के साथ। ओरिएंटल के साथ क्या आप बताओ शफ़क, आप बात करो। अच्छा, स्टिक्स के हवाले से बताती चलूँ आपको कि स्टिक्स में आपको उसमें 11 कलर मिल जाएंगे, ठीक है? आप नाज़रीन को बताओ। और हाँ सॉरी, तो स्टिक में आपको 11 शेड मिल जाएंगे इसमें जेनी कॉस्मेटिक में। तो इसमें आपको रनिंग शेड वो FS 36, 38, 45 IV और F1, 2W, 3W, 4W और वाइट भी है, चाइनीज़ है, ओरिएंटल है, ये सारी स्टिक्स आपको मिल जाएंगी। मैं कैमोफ्लेज कर रही हूँ ओरिएंटल से। उसके बाद सेकेंड स्टिक जो अप्लाई करेंगी वो FS 36 करेंगी और उसके बाद जो है वो थर्ड स्टिक जो है वो 4W थोड़ा फेयर टोन पे ले जाने के लिए जो है वो यूज़ करेंगी, ठीक है? आज जो है मिस मेकअप कर रही है वो सिर्फ टू बेसिस पे कर रही है, स्टिक और कॉम्पैक्ट पे। स्टिक और कॉम्पैक्ट का है ना मिस? जी जी, हाँ स्टिक और कॉम्पैक्ट पे होगा इंशाल्लाह मेकअप। और आप लोग देखिएगा कि कितना अच्छा स्मूथ लुक आएगा जस्ट टू बेसिस से भी अगर काम करेंगे तो जो है वो मतलब एक तो हैवी लुक भी नहीं देगा, सेकेंड ये कि बहुत ज़्यादा स्मूथ फिनिशिंग लुक होगा, सेकेंड ये क्योंकि ये एंगेजमेंट की है, ब्राइडल एंगेजमेंट का मेकअप जो है वो मिस सिखा रही हैं। तो ये कि एंगेजमेंट के मेकअप में थोड़ा सॉफ्ट लुक ही दिया जाता है तो उसमें आपको आज मिस बताएंगी कि क्या क्या चीज़ें उसमें आप जेनी कॉस्मेटिक की यूज़ कर सकते हैं। तो वो साथ साथ मैं आपको जिस तरह से मिस अप्लाई करती जाएंगी मैं गाइड करती जाऊँगी कि क्या क्या बता रही हूँ। शफक ये बताओ कि जब सबसे पहले प्राइमर विद स्टिक जो आपकी है जी, मैं नाज़रीन आपको बताऊं बड़ी ज़बरदस्त है कि आपको ज़रूरत नहीं है कि अलग से प्राइमर आप यूज़ करो, इनके स्टिक में भी मौजूद है। स्टिक के कलर कितने हैं? स्टिक के कलर 11 है, 11 शेड्स। 11 शेड के साथ आपके स्किन टोन पे कुछ भी आपको जो बेहतर लगता है? हाँ मतलब वो अलग अलग, हाँ अलग अलग स्किन टोन के हिसाब से होता है। मतलब कि डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए तो 36 जाता है और ओरिएंटल से ही कैमोफ्लेज होगा तो, और बाकी मीडियम कॉम्प्लेक्शन के लिए जो है वो आप 38 to 45 ले सकते हैं, फेयर के लिए आईवी F1 ले सकते हैं। तो इसमें आप अकॉर्डिंग टू स्किन, अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्शन जो है वो आप अपनी स्टिक जो है वो चूज़ करेंगे इसमें। अब जैसे मिस ने अप्लाई किया अभी इनके मॉडल का फेस जो है वो क्योंकि मीडियम कॉम्प्लेक्शन पर ही है तो उन्होंने ओरिएंटल से पहले कैमोफ्लेज किया ताकि उनके स्पॉट्स एक्ने वगैरह जो है वो कवर हो जाएँ। तो उसके बाद सेकेंड स्टिक जो है वो लगा रही हैं FS 36 की नेचुरल लुक देने के लिए क्योंकि बेस में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अगर आपकी बेस नेचुरल बनी हुई हो, आर्टिफिशियल लुक ना दे रही हो और सेकेंड ये कि ग्रे टोन पे भी ना जा रही हो तो वो आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चलता है। तो इसमें आपको जेनी में इंशाल्लाह ये कंप्लेन नहीं आएगी कि प्रोडक्ट जो है वो बेस आपकी ग्रे पे चली गई या बेस केकी बन गई है या लाइंस आ गई हैं, फाइन लाइंस आ रही हैं, बेस लगाने के बाद पोर्स ओपन हो गए हैं, इस तरह की कंप्लेन आपको नहीं आएंगी। तो आप इसको क्योंकि ये विद प्राइमर स्टिक तो इसमें ये है कि आपको अलग से पहले प्राइमर वगैरह लगाने की भी नीड नहीं है। अगर किसी की ड्राई स्किन है तो उस पर भी आप स्मूथली इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं और अगर किसी की नॉर्मल स्किन है तो उस पर भी आप इजीली एप्लीकेशन कर सकते हैं। कौन सा नंबर ये स्टिक जो है ना हर हर मतलब कौन सा नंबर है? 38 or 36 बहुत अच्छी हो ये मुझे चाहिए रियली। इसका जो मैं दूर से इस वक्त यहाँ से देख रही हूँ वो जो सूट के साथ शेड लगा रहे हमारे ग्लो करता है विद प्राइमर है ना, ग्लो करता है वो ही देख रही हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अरे ऐसा नहीं करो शहजाद भाई, ले लिया करो ना जी। आप हमें कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं और जिन्होंने कॉल की उनके लिए 20% डिस्काउंट के साथ उनको प्रोडक्ट मिलेगी। कैसा शफक जी? गुड है, बिल्कुल जबरदस्त। चले जी, ये ऑफ कोर्स इनका सेगमेंट है तो सेगमेंट के बिहाफ पर जो कॉल करेगा उसके लिए प्रोडक्ट की फेवर है
20% डिस्काउंट जी 20% डिस्काउंट भाई हमारे दिन में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, कैसी है रुखसाना जैदी साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और आप आज भी बहुत जबरदस्त चीज है कि मेकअप का और अपने चित्रित से बता भी रही है, तो मुझे थोड़ा सा एक सवाल भी है इसके हवाले से। जी पूछे। कि एक तो ये होता है जैसे ये स्टिक लगा रहे हैं, एक होता है लिक्विड फाउंडेशन होती है और दूसरा होता है केक जो कि पानी के साथ अप्लाई किया जाता है जी, तो ये किस किस मौके पे इस्तेमाल किया जाता है और क्या आपके पास ये सारे मतलब केक भी मौजूद है और ये सब चीजें है, तो इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि बार दफा हम देखते हैं वो केक को पानी से लगा लगा के कई लेयर्स लगा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर अप्लाई करते हैं कोई और चीज फाउंडेशन वगैरह, तो ये किस तरीके से होता है? समझ आ रही है शगुफ्ता, आप आंसर दोगे या शफक? पहले आप शफक आप दो। अच्छा, एक तो देखिए सबसे पहली बात कि जो आप उसकी वाटर बेस के हवाले से बात कर रही हैं, जो एक्वा फेस लैंग्वेज बेस है, ठीक है, ये तो होती ही वाटर प्रूफ है। ये बेसिकली आप लेयर टू लेयर स्किन पे बनाते हैं, ठीक है। आप चाहे तो आप दो बेसिस के साथ एट अ टाइम काम करेंगे, या तो आप लिक्विड फाउंडेशन के अगर कर रही हैं तो ठीक है, उसके साथ आप एक्वा बेस कर सकती हैं, और अगर स्टिक कर रही हैं लिक्विड के साथ आप एक्वा नहीं कर सकते, लिक्विड के साथ एक्वा नहीं कर सकते, स्टिक के साथ आप एक्वा कर सकते हैं, स्टिक के साथ एक्वा कर सकती हैं, और लिक्विड बेस के साथ जो है वो कॉम्पैक्ट लगा सकती हैं। तो बस आप लिक्विड बेस यूज करें फिर कॉम्पैक्ट लगा, हो गया। तो जो ये दो बेसिस भी अगर आप लगा लेंगी तो इनफ है कि उसके लिए आपको जो है वो ज्यादा एक कहते हैं कि एक लेयर पे लेयर बेस की बनाने की जरूरत नहीं। तो स्टिक इतनी अच्छी, आप देखें आज मैं सिर्फ स्टिक पे काम कर रही हूँ और कॉम्पैक्ट पे, इसकी आप एप्लीकेशन देखिएगा। दो चीजें लगा रही हूं और पूरा प्रॉपर प्राइमर 36 स्टिक और प्राइमर ही विद प्राइमर हमारी तो ओके एक है विद प्राइमर स्टिक और फिर कौन सा दूसरा नंबर? नहीं नहीं ये नहीं, सारी स्टिक्स हमारी स्टिक्स में प्राइमर मौजूद है। अच्छा तो लेकिन आपने दो स्टिक्स पकड़ी थी इसलिए मेरे ध्यान में एक तो कैमोफ्लेज के लिए सबको नहीं लगाएंगे। अच्छा ओरिएंटल ठीक 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 ओके हर स्टिक में हमारे प्राइमर है। अच्छा इन्होंने यहाँ बताया कि हर स्टिक में प्राइमर मौजूद है, जबरदस्त। अच्छा जी ये हो गई बेस के ऊपर इन्होंने जी कॉम्पैक्ट लगा दिया। अच्छा मुझे कलर जरा चेंज दें कॉम्पैक्ट का जी, मुझे टिश्यू। कॉम्पैक्ट के कितने कलर हैं ये बताएगा? ये कॉम्पैक्ट में भी आपको 6 शेड मिल जाएंगे, 6 शेड्स मौजूद हैं, 6 शेड्स मिल जाएंगे। ये बेस पे टिश्यू है, टिश्यू मैं वाइप्स ले जी। नाज़रीन आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, शफक भी मौजूद है, शगुफ्ता भी मौजूद है और सभी भी मौजूद है। आप हमें लाइव कॉल करें और पूछें जैनी कलर कॉस्मेटिक्स के बारे में, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट की अवेयरनेस हम आपको दे रहे हैं, और अगर कोई क्वेश्चन आप चाहते हैं जैसे भी रुखसाना जैदी ने किया तो आप हम ही करें, हम कोशिश करेंगे उसको प्रॉपर तरीके से आपको आंसर दे सके जी। अब ये बताइए कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ऑफ कोर्स पहले ये था हेलो ग्लिटर, फिर उसके बाद आपके पास आया जो है वो विदाउट उसके ग्लिटर के बगैर आई शेड्स, थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ करें दिखा के ना। ग्लिटर के बगैर ये वाले जो आई शेड्स मैंने बताए थे ना आपको, ये आ गए, ये वाले आई शेड्स कितने कलर्स हैं इसके अंदर? 18 शेड्स हैं। ओके 18 शेड्स आपको मिलेंगे इसमें। अच्छा और सेकंड ये कि ये 4-in-1 पैलेट है, इसके अंदर आपको जो है वो हाइलाइटर भी मिल रहा है, इसके अंदर ब्लश भी है, कॉन्टोरिंग का शेड भी है, डार्क ब्राउन जो आईब्रोज पे आप यूज़ कर सकते हैं वो भी है, हाइलाइटर्स के भी 3 कलर दिए हुए हैं, और तकरीबन सारे रनिंग शेड्स हैं। और सेकंड ये कि आप इनमें से 2 कलर को मिला के एक नया कलर क्रिएट करना, ठीक है। आप ये खुद से भी आपको ये कलर दे दे, वो इंतजार कर रही है। आप बात बताइए। चलिए जी अब दूसरे हेलो ग्लिटर्स के ऊपर चलते हैं। तो एक ये मैंने इसका बता दिया, इसका नाम इन्फिनिटी है, ठीक है। और एक ये वाली पैलेट है, ये वाली पैलेट जो है ये हेलो ग्लिटर की पैलेट है, ठीक है। ये मैंने तकरीबन हमारा जो जितने भी शोज हम लोगों ने किए हैं यहाँ पे सभी के साथ, तो जो है इसमें मैंने तकरीबन तमाम शोज में इसका जिक्र ज़रूर किया है। वैसे तो मैं तमाम प्रोडक्ट्स से ही कर रही होती हूँ, लेकिन ये कि हेलो ग्लिटर बेसिकली हमारी ग्लिटर की सीरीज में से बहुत ज़्यादा बिकने वाला रनिंग एक आइटम है, तो इसीलिए जो है मैं हेलो ग्लिटर का बता देती हूँ कि ये आपको जो है वो पैलेट बहुत रीज़नेबल पड़ती है। अगर आप इसके सिंगल सिंगल शेड्स लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं,
आपको एक सिंगल शेड भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको पूरी पैलेट चाहिए तो आप पैलेट जो है वो आपको रीजनेबल पड़ेगी। इसमें 18 शेड्स जो है, और अभी इतना अच्छा डिस्काउंट चल रहा है 20% ऑफ, आप रमज़ान का स्टॉक उठा सकते हैं, क्योंकि रमज़ान के बाद ईद के बाद जो है वो काम का सीज़न शुरू हो जाएगा। आप लोगों के ब्राइड्स और ये सारी चीज़ें मतलब समझ लें वर्किंग आप लोगों की और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, आप स्टार्ट हो जाएगी, और जो है आपको प्रोडक्ट भी काफ़ी सारी बाय करनी पड़ेगी। तो आप अगर इस चीज़ से अभी मतलब फ़ायदा उठाएं कि ये 20% डिस्काउंट दिया जाए। आप मुझे अब ग्लिटर दें, मुझे जो जो आपके हाथ में आएगा वो मैं वो अच्छा ना चलिए जी, कोई बात नहीं, हर चीज़ छीन रही है इस वक्त। और अच्छा वो सिक्स कलर्स किसके थे, रिपीट में चाहती हूं एक बार, एक बार रिपीट कर ले। कॉम्पैक्ट के मैंने बताए थे। ओके जी, ये सैनिका कॉम्पैक्ट है, ठीक है। इसके आपको सिक्स कलर मिल जाएंगे, और ये भी अलग अलग स्किन टोन के हिसाब से सिक्स कलर इनके पास स्टिक कलर है, सिक्स नहीं इलेवन कलर। स्टिक के कलर कितने हैं? इलेवन है, इलेवेंथ। अच्छा इलेवेंथ कलर स्टिक के हैं, और सिक्स कलर कॉम्पैक्ट के, कॉम्पैक्ट के हैं, और फाउंडेशन के चार हैं, फाउंडेशन के चार हैं, और लूज पाउडर में आपको तीन कलर मिल जाएंगे, और लूज शाइनर में भी तीन, और कौन से लूज शाइनर में भी तीन और लूज पाउडर में। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा कुछ ब्रीफ कर रही थी उसके बारे में। जी जी, मैं डस्ट ग्लिटर लगाएंगे हम आज। जी अच्छा, डस्ट ग्लिटर के बारे में बिल्कुल भी नहीं इन्फॉर्मेशन दी लोगों को। ये ग्लिटर डस्ट है, ये इस कलर मुझे बता दें, गोल्ड दे दूं? हाँ जी जो कर, ये देखें, ये देखें नाजीन, ये चीजें यूज हो रही है, वो ब्रीफ भी करती जा रही है शफक। वो ओके okay. अच्छा अलग से भी मैंने देखा शेड जो जैसे येलो ग्लिटर्स में आप चाहें तो अगर आपका पूरी पैलेट खत्म हो जाए तो आपको जो चीज अलग अलग भी यूज करनी है तो वो अलग अलग कलर्स में भी शफक। जी बिल्कुल, अगर जैसे पैलेट में आपकी कोई सा भी शेड अगर पहले खत्म हो जाता है, मैं हेलो ग्लिटर की बात कर रही हूँ, आई शेडो पैलेट की नहीं। इस चीज़ को मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं कि हेलो ग्लिटर के अंदर जो पैलेट में जितने 18 कलर्स हैं उसमें से कोई सा भी एक शेड या दो तीन कलर्स आपके जो बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग शेड हैं वो अगर ख़त्म हो जाते हैं तो वो आपको वो कलर आपको अलग से एक सिंगल पीस में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आप जो है वो आपके लिए आसानी रहती है कि पहले आप पूरी पैलेट परचेज़ कर लेते तो उसमें आपको सारे कलर्स मिल जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर जो जो कलर का ख़त्म होता रहे तो वो फिर आप उसके हिसाब से अलग अलग जो है वो कलर के हिसाब से आप मंगवाते रहें। नंबर उसके सब दिए हुए हैं, एक से लेके 20 तक जो है वो नंबर है, तो वो आपको नंबर वाइज जो है आप मुझे मतलब डायरेक्टली ऑर्डर करेंगे तो ये कि मुझे पता चल जाएगा कि हमारा गोल्ड कौन सा है, कॉपर कौन सा है, मुझे सारे नंबर वर्बली याद हैं, तो ये कि मैं इस तरह से अपने क्लाइंट्स को भिजवाती रहती हूँ। अच्छा आज जो मैं काम कर रही हैं आई मेकअप पे, तो उसमें आई शेडोज लगाए हमारे जेनी कॉस्मेटिक के, उसके बाद हेलो ग्लिटर अप्लाई किया है। हेलो ग्लिटर विथ फिक्सर है, उसमें आपको अलग से फिक्सर वगैरह की नीड नहीं होती है, तो मैं इसका फिक्सर लगाया, फिक्सर के ऊपर ही इसका ग्लिटर डस्ट लगा रही हैं उसके ग्लिटर को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि हेलो ग्लिटर का जो टेक्सचर है वो थोड़ा फाइन है और जो ग्लिटर डस्ट है वो थोड़ी मोटी ग्लिटर होती है, तो थोड़ी मोटी ग्लिटर जो है वो आज मिस यूज़ कर रही और इसके साथ जो है वो उसका ग्लिटर का जो नंबर है वो 13 नंबर मिस यूज़ कर रही है, गोल्ड मैट गोल्ड कलर है और बहुत प्यारा शेड है वो। मिस अप्लाई हो गया वो वाला? जी जी बिल्कुल अप्लाई हो गया, सही है, ठीक है। अच्छा अब मिस लाइनर लगा रही हैं। अच्छा लाइनर अभी सभी हमारा आया नहीं है, लाइनर और मस्कारा इंशाल्लाह जो है वो जल्दी हम आपके शो में भी असल में मैं देख रही हूँ ऐसा ऐसा चीज़ें जो है जेनी की प्रोडक्ट बढ़ती चली जा रही है, ये सिर्फ इसकी वजह से कि आप लोग पसंद कर रहे हैं। देखिए जब तक कोई पसंद नहीं करता ना शफक तो वो चीज आगे डेवलप भी नहीं होती, क्रिएट कब होती है मजीद की यार इसकी डिमांड है, तो मैं कह रही हूँ कि जेनी माशाल्लाह आगे है और छा गए, तो अब तो आप लोगों के पास टाइम होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। स्पेशली मेरे बॉस तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज्यादा ही अल्लाह पाक उनको जो है कामयाबियाँ दे। और वैसे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी अदीब यहाँ तशरीफ लाते, लेकिन वो हर वक्त मेरी बहन में मसरूफ, मेरी बहन में यहाँ पे फंसा बहुत ही। अच्छा ये जुमला बड़ा बोलते मैं फंसा हूँ बहुत ही माशाल्लाह नाइस पर्सनालिटी है, और सेकंड ये के बहुत कोऑपरेटिव है हमारी जो स्पेशली जो हमारी जो पूरी टीम है बहुत माशाल्लाह कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे लोग हैं, तो मैं तो पर्सनली माशाल्लाह से मैं मतलब बहुत सेटिस्फाई हूँ मैं यहाँ पे ना तो जैनी में, और क्योंकि देखें सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये भी होती है सभी कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ के एनवायरनमेंट अच्छा होना, सही है कि वहाँ से आपकी एक कहते हैं ना कुलीग्स
के साथ आपकी एक बाउंडिंग एक चीज है, मतलब ये चीजें जो है ना बहुत मैटर करती है आपके काम के साथ साथ। बिल्कुल ठीक। तो ये है कि अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा मतलब एक मेंटली रिलीफ होता है ना तो आप काम ज्यादा अच्छे से कर पा रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जैनी में मुझे बड़ा मजा आता है काम करने में, कि जो है काफ़ी सारी चीज़ें अब इंशाल्लाह आती चली जाएंगी इसमें और वैरायटीज़ बढ़ती चली जाएंगी इंशाल्लाह, हम और चीज़ें भी इंट्रोड्यूस कराते जाएंगे तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। अच्छा एक और बात है, मैंने देखा शफक ने जिस तरह कहा कि हम यहाँ पर जॉब करते हैं और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। देखिए प्रोडक्ट जब कोई बिजनेस आता है तो ऑफकोर्स सबके लिए एक रोज़गार लेकर आता है, तो और ब्यूटिशियंस का भी रोज़गार बढ़ता है कि कम बजट में वो कुछ बेहतर कर सकती हैं। और ये प्रोडक्ट मैं कहूँगी कि साथ साथ प्रमोशन तो है लेकिन अवेयरनेस भी है, लेकिन साथ में रोज़गार मुहैया भी कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। जैसे शफक भी ऑफकोर्स इससे अटैच है और बहुत सारी खवातीन इस पर काम कर सकती हैं अपने इंस्टीट्यूट में, टीचर्स हैं, तो एक बेनिफिट है आगे इस प्रोडक्ट में। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि ऐसे काम करते रहना चाहिए जिसमें सबको अवेयरनेस मिले और उनका बिजनेस डिवेल्प हो। बिल्कुल इसी तरह पी बी एफ प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री आपके लिए 21 मार्च को जो ब्राइडल प्रेजेंटेशन कंपटीशन ला रहा है उसमें भी मुबारक हो आप लोगों के लिए, उसमें 100 ब्राइड कंफर्म्ड हो चुकी हैं। मैं भी आज सरप्राइज लगा मुझे, आज भी शील्ड नहीं आप डिस्प्ले, क्योंकि अब माशाल्लाह सबके लिए शील्ड्स भी बन चुकी हैं और जितनी पार्टिसिपेटर ब्यूटिशियंस हैं उन सबको, जितनी 100 ब्यूटिशियंस ने पार्टिसिपेट किया है इन सबको जो है उनके बेहतरीन वर्क के ऊपर तो शील्ड्स मिलेगी, उसमें मिलेंगे टॉप 10 विनर्स भी होंगे, उनको एक बड़ी शेयर्स मिलेगी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये अचीवमेंट हो चुकी है और सब बिल्कुल आप अपने काम पर तवज्जो दें और 21 को आप लोगों ने आना है और ऐसा काम दिखाना है कि सब आपको आपके जजमेंट जो वो आपकी पोजीशन होल्डर हो। वैसे एक और बात बताऊं कि इस वक्त सिर्फ कॉम्पिटिशन करने का मकसद है कि आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप किया जाए, एक आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म दिया जाए, ठीक है। तो फिर 21 मार्च को हम स्पेशली पीबीआई प्रेजेंट्स कर रहे हैं क्या ब्राइडल प्रेजेंटेशन कंपटीशन और इसको स्पेशली कवरेज देगा थैंक्स फॉर गुड मॉर्निंग विद सभी, इसको स्पेशली विनर्स टीवी से कवरेज होगी और हम आपको फिर स्क्रीन पर दिखाएंगे इन तमाम ब्यूटिशियन का काम। हम शफक की तरफ चलते हैं। शफक मैं चाहूँगी कि आगे जिस तरह आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जा रही हैं वहाँ पे बच्चियाँ आपको सीख भी रही और फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे हैं ये लोग, कोई चार्जेस किसी से कुछ भी नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। जी बिल्कुल, अब तक ऐसा नहीं है कि हमने कोई चार्जेस रखे हो, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है हमारी क्लास के स्पेशली। और जो है सेकंड ये कि 23 मार्च को जो है वो एक अच्छा एक हमारा ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट के अंदर भी जो है एक इवेंट हो रहा है, उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पे ज़रूर आप आएँ, बल्कि मैं तो चाहूँगी कि आप लोग आएँ। वहाँ पे एंट्री कैसे होगी? वहाँ पे भी फ्री एंट्री है, मतलब हाँ बिल्कुल, मतलब सारी ब्यूटिशियंस आ सकती हैं। हाँ 23 मार्च। टाइमिंग के टाइमिंग उनकी वैसे तो सुबह 10 बजे से, लेकिन ये कि हमें वहाँ पे तकरीबन 11 से 12 बजे सुबह 11 से 12 डेमो दे रही हूँ मैं। हाँ वहाँ पे मिस डेमो दे रही हैं और लाइव डेमोस्ट्रेशन होगा वहाँ पे, आप उनसे मिल भी सकते हैं। और सेकंड ये कि लाइव आपको जो है वो प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलेंगी, आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी दी जाएगी। अच्छा एक और बात बताओ, वहाँ कोई इवेंट है कि ऐसे मूड आके आ जाइए तो कोई क्लास की अरेंजमेंट है? बेसिकली एक एक इवेंट है और मिक्स एक एग्जीबिशन लग रही है और एक फेस्टिवल सा है, उसमें डिफरेंट है, फूड कोर्ट भी है उसके अंदर, फैब्रिक भी है उसके अंदर, जो है वो टेक्सटाइल डिजाइनिंग भी आ रही है उसके अंदर, जो है वो पेंटिंग्स भी आ रही है और उसके अलावा ज्वेलरी भी है, मेकअप भी है, सब चीजें हैं, लेकिन मेकअप में सिर्फ हमारा ही ब्रांड जो है वहाँ पे जा रहा है। हाँ डेमो कर रहा है तो वहाँ पे लाइव डेमोस्ट्रेशन वगैरह ये सारी चीजें, तो आप लोग जो है वो जरूर अवेल करें इस चीज को कि आप लोग जाएं और जाकर वहाँ पर जो है वो ड्रीम वर्ल्ड में आप लोग जाएं। ब्यूटी गाला हो रहा है, एग्जीबिशन है लाइक, और उसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, ब्रांड्स हैं, स्टॉल्स हैं, वहाँ पर हो रहा है जेनी कॉस्मेटिक्स का स्पेशल डेमो 23 मार्च और ये है इनकी टाइमिंग है 11 o'clock। कैसे रात 8 बजे तक है? ओके नहीं आपका डेमो देखने जा रहा है, नहीं वैसे मतलब आप जा सकते हैं पूरी 7 हाँ
लेकिन ये कि आप जो है मतलब वैसे भी आप जा सकते हैं पूरी फैमिली के साथ भी, मतलब जरूरी नहीं है खाली एक सिंगल एक कोई ब्यूटिशियन जाए, और अपनी फैमिली को भी लेके जा सकती है। सबसे प्लस पॉइंट है कि कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, थोड़ा अपने लिए टाइम निकाले, थोड़ा अवेयरनेस बच्चों के लिए भी, थोड़ा फेस्टिवल है तो सब जा सकते हैं। और ये देखें जी कहाँ तक मेकओवर पहुंचा, थोड़ा मैं चाहती हूँ शफक इसको शुरू से ब्रीफ कर दो, जिन्होंने अभी अभी ब्यूटिशियन टीवी ऑन किया सबसे पहले क्या लगा, सबसे पहले फिर यू यू वन बाय वन। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो कैमोफ्लेज की इनके स्किन को ओरिएंटल से, उसके बाद जो है वो 36 जो है वो नेचुरल टोन पे देने के लिए बेस लगाइए, उसके बाद 4W जो है वो थर्ड उन्होंने स्टिक यूज़ करी 4W की, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स लगाई स्टिक के, और उसके बाद 4 जो है वो उन्होंने कॉम्पैक्ट यूज़ किया है, कॉम्पैक्ट में उन्होंने बेज 04 और फेयर 01 ये दो कॉम्पैक्ट मिलाकर जो है वो यूज़ किया है। तो और अब जो है वो मिस लूज पाउडर लगाने जा रही हैं, ठीक है। लूज पाउडर यूज़ करेंगे इसका जैनी का, ये भी फेयर टोन पर है आइवरी, ये आपकी बेस को फेयर लुक देता है, बड़ा प्यारा पिंकिश सा लुक देता है। तो वो जो है मैं सभी यूज़ करेंगे, तो आप इसके बाद देखिएगा बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग आ जाती है आपके मेकअप के अंदर, ठीक है। तो ये इसमें भी आपको 3 कलर मिल जाते हैं, नेचुरल, आईवी और आईवी 2। उसके अलावा जो है आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस ये कि लिपस्टिक और ये अभी आपको फील हो रहा है कि आपने सिर्फ स्टिक यूज की है लग रहा कहीं से मैं ये जादू देख रही हूं, बहुत फाइन, हां बहुत फाइन ये जादू देख रही हूं, लग रहा बहुत सारे बेसेस यूज किए हमने, ओए होए होए ऐसा बेबी लुक आ रहा है, मैं सच बता रही हूं, स्क्रीन पर सब नाज़रीन देख रहे हैं, सब बेबी लुक आ रहा है, आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल सॉफ्ट। आजकल के जो है वो मेकअप भी जो है वो सॉफ्ट थीम पर है ना, गुड। ये वाइट पेंसिल लें, वाइट स्टिक, आई मीन स्टिक, अच्छा तो स्टिक यूज़ करते हैं, मेन चीज़ अब आ गई जी इस वक्त जो है वाइट स्टिक से जो आई पेंसिल आप लोग वाइट लगाते हैं उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, और ये लग रही है ये प्योर वाइट है, ये प्योर वाइट है, आपके आई मेकअप को और ज़्यादा इन्हेंस कर देती है वाइट स्टिक अगर आप इसके लगाते हैं तो। अगर आप नॉर्मल पेंसिल भी अगर आप यूज़ करते हैं तो वो थोड़ी देर बाद जो है वो आंखों के अंदर से गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन वाइट स्टिक जो है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग जो है वो तकरीबन आपका पूरा इवेंट कंप्लीट होने तक आंखों के अंदर वो रहेगी। तो और सेकंड ये कि आपकी बेस को फेयर टोन पे ले जाने के लिए भी आप वाइट स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट का करेंगे लास्ट जो शो। मैंने अरबिक कहा था ये गोलमोल हो गई बात, अब मैं क्या करूं, सोच ले भाई ये लास्ट आपका शो का नेक्स्ट, और इसमें हम चाहते हैं अरबिक, ओहो अच्छा ये खुद भी ना इनकी पिक्चर में इनकी देखती रहती हूँ, ये मैं कहती हूँ बहन तू कहाँ से अरबिक, बिल्कुल इसकी पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट लगती है। तो ये मतलब मेकओवर का ही सारा कमाल होता है, तो ये बड़ा प्यारा जो है शगुफ्ता अपनी कुछ टिकटॉक्स भेजती है, तो मैं कहती हूँ आप रानी रानी लगती हो, तो अरबिक शगुफ्ता सभी के मॉर्निंग शो में देखिए कितना कुछ सीखने को मौका मिलता है आप लोग का। तो मैं कहूँगी 16 सिंगार समझ लें आप लोग सीख रहे हैं, और इसमें ज्वेलरी ड्रेसेस और साथ में एंटरप्रेन्योर्स वुमेन स्किल्स वुमेन और शेफ और ब्यूटी, सब कोशिश करती हूँ आपको जो जो जिसका डोमेन है वो यहाँ से सीख सके, और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और सरप्राइज भी होगा जिससे आप लोग बहुत अवेयर होंगे। घर में बैठी हुई खवातीन, आपको पता है कि घर में बैठे हुए भी बहुत ज़्यादा बिजनेस हो रहा है और प्रोडक्ट का भी हो रहा है, और ईजीएस्ट अब जैसे शफक को कोई ब्यूटिशियन लिंक करती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इनको अगर समझ नहीं आ रहा तो कितना ईजीएस्ट है, या तो वीडियो कॉल पे भी हो सकता है, प्रोडक्ट की पिक्चर खींच के भी मंगवा सकते हैं क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सबको तकरीबन जो सैलून्स में विजिट कर रही होती हूँ उनके पास भी मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, और सभी के शो से भी जो है वो काफ़ी सारे लोगों को जो है वो नंबर मिला है। तो ये है कि अगर किसी ने ऑर्डर वगैरह करना हुआ करे तो आप मुझे कॉल कर लिया करें, मैसेज कर लिया करें, ये कि आपके घर पे या सैलून पे आप जहाँ भी मंगवाना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको जो है वो डिलीवर हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि फ्री डिलीवरी हमारी आपको ये एक आसानी है कि आपको मार्केट जाना नहीं पड़ रहा, एक क्वारी आपकी बच जाती है कि जो है वो आप मार्केट जा रहे हैं स्पेशली टाइम निकाल के, तो जो है आप इसलिए आप डायरेक्टली मुझसे अगर ऑर्डर करते हैं तो ये कि आपको जो है आपके सैलून पे या घर पे जो है वो सामान आपका मिल जाएगा। सेकंड ये कि प्रोडक्ट की नॉलेज भी जो है वो आपको मिल जाएगी, जो भी प्रोडक्ट के हवाले से पूछना है वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। गुप्ता यू हैव जस्ट 24 मिनट्स एंड लिपस्टिक लगा लो फटाफट जी, आज इन्होंने किया एंगेजमेंट मेकओवर और आगे वो मेरे माइक एंगेजमेंट मेकओवर के साथ साथ इन्होंने जो है, मैं नाज़रीन से बात करना चाहूंगी कि एंगेजमेंट मेकओवर इन्होंने आज आते ही कह दिया था कि दो चीज़ों से मैं इसकी पूरी कंप्लीट बेस कर लूंगी,
और वो था पहले प्राइमर विद स्टिक और 36 नंबर, और उसके बाद इन्होंने लूज पाउडर लगाया और कंप्लीट इनकी जो है फेस लुक हो गया। ये एंगेजमेंट कलर लगा रहे हैं, अभी के बस सिर्फ लिपस्टिक का है, बाकी इन्होंने जैसे मेक ओवर जो जो चीजें यूज की लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट वगैरह जो यूज करती हैं, ऑफ कोर्स वो एक ब्राउन कलर का सबसे पहले कर रही है, ब्राउन कलर दे दें। चलिए जी, लिपस्टिक कलर में कौन सा चल रहा है? सबसे पहले 85 यूज कर रही है, ठीक है, ओके। 85 नंबर है इसका लिपस्टिक का, और 386 जो लिपस्टिक के कलर है वो 48 है। ओ माय गॉड, कितने ज्यादा अपॉर्चुनिटी, यानी ऑप्शंस कितने। अच्छा, मैंने अक्सर एक ब्यूटिशियन को देखा है, वो कभी भी वन कलर को यूज नहीं करती, उसके माइंड में होता है कोई कॉम्बिनेशन, लाइक इसी तरह आई शेड्स में भी होता है कॉम्बिनेशन, लाइक कुछ तो कुछ मर्च और इसको मिक्सिंग करके करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि एक नई चीज क्रिएट हो जाती है। और बिल्कुल सॉफ्ट सा इन्होंने आई मेकओवर किया है, और ये लिपस्टिक लग रही है। शफक, आप कुछ बात करना चाहें, क्योंकि यू हैव जस्ट ओनली 2 to 3 minutes, जल्दी से बात करें। अच्छा, फाउंडेशन का भी मैं बता देती हूँ आपको साथ साथ, कि फाउंडेशन में आपको 4 कलर्स मिल रहे हैं, और इसमें आपको आईवी, मीडियम बेस, न्यूड और सैंड, ये 4 कलर जो है वो आपको मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे समर स्टार्ट हो गया है और एकदम से वेदर चेंज हो गया है, और स्वेटिंग और ये सारी एक्नी प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें जो है वो स्किन पर आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो है अगर आप कोई भी लिक्विड बेस यूज़ करते हैं तो उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल होता है। तो ये जो है वो ऑयल फ्री है, ये मैट फिनिश लुक देता है। आप इसको जो है वाटर बेस के वाटर स्पंज जो गीला करके जो होता है ना पानी के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये इजीली ब्लेंड हो जाती है, ठीक है, वो आप करें और इसको यूज़ करें, आपको आइडिया होगा कि ये क्या चीज़ है। बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर पे बनी हुई है ये, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये कि पाकिस्तानी वेदर के हिसाब से और यहाँ के स्किन की प्रॉब्लम और ये सारी मसले मसाइल को देखते हुए जो है वो तैयार की गई है ये प्रोडक्ट। तो आप लोग जो है वो जल्द अज जल्द अवेल करें, इसको यूज़ करें, और मार्केट से आपको कम प्राइस में मिलेगा अगर आप डायरेक्टली मुझे ऑर्डर करते हैं। तो आप जो है डायरेक्टली मुझे ऑर्डर करें, आपको हर चीज़ पे जो है वो 20% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है, शफक ने कहा है कि अगर आप डायरेक्ट इनको अप्रोच करते हैं इस नंबर के थ्रू तो हम आपको 20% डिस्काउंट 20% इसमें मिल जाएगा। सेकेंड ये कि इसमें आपको लिपस्टिक में 48 शेड्स मिल जाएंगे, आपको इसके लिप पेंसिल्स के अंदर 30 कलर मिल जाएंगे, ये इसके लिप पेंसिल्स हैं और इसके अंदर आपको 30 कलर्स मिल जाएंगे, और सारे के सारे जो है वो कलर एक दूसरे से चेंज है, और बहुत प्यारे शेड्स उसमें आपको मिल जाते हैं। मतलब इसमें हर वो कलर मौजूद है जो अमूमन लोग लाइक कर रहे होते हैं, पसंद करते हैं, और रनिंग शेड्स हैं सारे के सारे जो है, ठीक है। और उसके अलावा जो है एक्वा बेस, आज मैं इसने यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये कि इसके बारे में भी मैं बता देती हूँ। एक्वा बेस जो है वो जेनी में आपको इसके अंदर भी 5 कलर्स मिल जाएंगे, और इसके अंदर FS 36, 38, 45, IB और F1, ये 5 कलर्स इसको आपको एक्वा बेस में जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। और तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम प्रोडक्ट्स ही मैंने ब्रीफिंग दे दी है, सारी चीज़ें। नेल पॉलिश के कितने कलर हैं? नेल पॉलिश में भी, अच्छा नेल पॉलिश में भी हमारी अलग अलग सीरीज़ है। एक हमारी आती है ये हाई शाइन, ये हाई शाइन है, ठीक है, ग्रे कैप वाली जो है, और मार्केट में ये अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन ये कि अगर आप मुझे डायरेक्टली ऑर्डर करते हैं तो आपको ये उससे भी कम प्राइस में, मार्केट से भी कम प्राइस में मिल जाएगा। एक हाई शाइन है, एक ये मैक्स इफेक्ट है, और सेकेंड ये कि ये वाला जो है पावर शाइन। ये 3 वेराइटीज़ हैं। पावर शाइन जो है वो बेसिकली ग्लिटर वाला नेल कलर है, और मैक्स इफेक्ट जो है जिनको मैट लुक चाहिए होता है तो उनके लिए वो मैक्स इफेक्ट है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ये कि हाई शाइन जो है वो एक्स्ट्रा मतलब शाइनिंग वाले कलर्स हैं, जिनको बहुत ज़्यादा शाइनी नेल्स चाहिए होते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर भी आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप, और सेकंड ये कि आपको हर चीज़ पे जो है वो 20% डिस्काउंट मिल रहा है, इवन के नेल कलर्स भी अगर आप बाय करते हैं तो आप एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं, क्योंकि आपको रीज़नेबल पड़ रहा है ये, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो है आपको इसके अंदर स्पार्कलिंग डस्ट भी मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था हेलो ग्लिटर है और हेलो ग्लिटर डस्ट है, और ये तीसरा स्पार्किंग डस्ट, तो ये भी आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अंदर भी आपको 6 कलर। क्या बात है। अच्छा जी, मैं चाहूंगी शगुफ्ता आप अपनी जगह पे यहाँ पर आए और मॉडल आप यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएं। आ जाए जी, इनकी मॉडल कंप्लीट डन हो चुकी है, और ये देखें जी आप यहाँ पे स्टिल हो। मैं इनका शुक्रिया कर दूँ
और थैंक यू सो मच गुप्ता, बहुत अच्छा लगा आपके साथ. और अगली बार आपने पक्का डन, भूलना नहीं. अब मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ. शुभक आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. इनका स्क्रीन पर नंबर चल रहा है जैनी कॉस्मेटिक्स का. एवरी थर्सडे के हमारे साथ होते हैं और फिर आप लोग इनसे रब्ता करें ताकि आप अपने इजिएस्ट इनसे प्रोडक्ट ले सकें. चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. कल मिलेंगे फिर उभरते सूरज की तरह. और उससे पहले ऑफकोर्स जैनी कॉस्मेटिक्स का स्पेशल कॉस्मेटिक्स का जो डेमो हुआ है उसकी प्रेजेंटेशन देख लें. यस yes.